Hello students, welcome back to our English grammar class. Myself Mansi, Devnani. Today we are going to start lesson 6 of English 2. Now in this lesson, what is noun? Noun kya hota hai? The same thing is repeated again. Noun kya hai? So noun is a word which is the name of a person, place or thing. Noun kya hai? किसी भी व्यक्ति, चीज या जगह का नाम. Name different kinds of noun. There are four kinds of noun. कितने नाम हैं? Four kinds. Proper noun, common noun, collective noun and abstract noun. So these are the four kinds of noun. ये आपको question answers की तरह learn करना है कि कितने types of nouns हैं. This question will be asked in test. Unit test में ये question पूछा जाएगा आपके. Now मैं एक-एक noun को explain करूँगी. What is proper noun? Proper noun क्या होता है? Proper noun is the name of some particular person, place or thing. किसी भी चीज का proper noun, जैसे कि आपका खुद का नाम. अब आपको क्लास में कोई बुलाएगा तो proper noun से बुलाएगा, आपके नाम से बुलाएगा तो पता चल जाएगा ना कि किसको बुला रहे हैं. Yes, तो जैसे दिल्ली शहर है, दिल्ली, कश्मीर, इंडिया, तो हमको पता चलेगा अगर दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली कौन सा है, वो प्रॉपर नाउन है. इसी तरह से किसी का नाम भी हो सकता है. यहाँ पे लिखा है जैसे अशोका, रामा, तो राम, वी नो कि राम, अगर रामा के बारे में बोलते हैं तो अगर कोई राम भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो वी विल से गॉड राम, तो पता चल जाएगा कि हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं. जमुना, जमुना इज अ रिवर, तो हमको पता है कि जमुना यानी कि रिवर के बारे में बोल रहे हैं. प्रॉपर नाउन होता है परफेक्ट किसी का प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन इज नेम ऑफ एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास. मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है बुक, तो अब बुक, बुक एक कॉमन नाउन है. बुक बुक इंग्लिश ग्रामर की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, लेकिन एक बुक का पता चलता है ना कि एक बुक के बारे में ये बात हो रही है. तो एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, बुक, फ्रिज, पैन, वॉटर, टैक्सी, बर्ड, मैन, गर्ल, दीज आर ऑफ examples of common noun. Now the next is collective noun. Collective noun पहले भी आप पढ़ चुके हैं. Collective noun, flock, cattle, class, team, army, crowd, family, committee. तो collective noun क्या होता है? It is the name of a group of persons or thing. जैसे कि flock, तो हम flock of birds बोलते हैं, यानी बहुत सारे birds जब एक साथ होते हैं, group में होते हैं, we use the word flock for collective noun of birds. Cattle, the cattle animals के लिए use होता है, herd of cattle and all that. Class, class is for students, class of students, team of athlete, army of soldiers. So ये सब group के लिए use किए होते हैं. And abstract noun, next is an abstract noun. Abstract noun is the name of a quality, feeling or action. जो चीज हमें किसी की क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी बताती है या फीलिंग बताती है या एक्शन बताती है, उसके लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्या है? क्वालिटीज है. लाफ्टर, जॉय, खुशी, फीलिंग है. पीस, सोरो, स्लीप, डेथ, एक्शन के बारे में भी बताता है इसमें, फीलिंग और क्वालिटी के बारे में भी बताता है. सो दिस इज an abstract noun. Once again, the different kinds of noun are proper noun, common noun, collective noun and abstract noun. Again, पता चल गया आपको proper noun किसी proper व्यक्ति या चीज का नाम. Common noun एक class के लिए होता है, जैसे कि मैंने example बताया यहाँ पे book है, bridge है, तो book बहुत सारी books हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं हम लोग, तो वो एक common चीज है book. Collective noun वो ग्रुप के बारे में बताते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी की क्वालिटी, फीलिंग और एक्शन के बारे में बताते हैं. ओके, विद दिस योर लेसन इज कंप्लीटेड. दीज टू क्वेश्चंस यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, व्हाट इज अ नाउन एंड नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन. थैंक यू.